नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। 14 फरवरी को कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर एडीजी कानपुर जोन कानपुर देहात पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभा स्थल का जायजा लिया। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां हो रही हैं। एडीजी ने जिले के आला अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। एडीजी कानपुर देहात भानु भास्कर ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान एसपी स्वप्निल ममगई और डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने तैयारियों के बाबत उनको जानकारी दी। बता दें कि अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी के पहले चरण में 63% से भी अधिक मतदान होने पर मतदाताओं का आभार जताया। साथ ही कहा कि सुशासन और विकास के लिए मतदान हुआ है। 58 में से 50 से 34 सीटें बीजेपी जीतेगी। साथ ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के मतदान ना करने पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दल के नेता ने खुद अपना वोट नहीं डाला, पहले ही हार मान ली। साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश यादव को आज की रात नींद नहीं आई होगी। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कल यूपी में पहले चरण का मतदान हुआ और करीब करीब 58 से 60% मतदान यहाँ हुआ है। 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हुआ था। ऐसे में लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी के पहले चरण में 63% से भी अधिक मतदान होने पर मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही उन्होंने सुशासन और विकास के लिए मतदान हुआ है ये कहते हुए नजर आए और कहा कि बीजेपी 50 से ज्यादा 58 में से सीटें जीतने जा रही है। साथ ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के मतदान न करने पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि एक दल के नेता ने खुद अपना वोट नहीं डाला है, इसका मतलब ये है कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव को तो पूरी रात नींद ही नहीं आएगी। नींद भी नहीं आएगी और सपना भी नहीं आएगा और सपने में कोई आएगा नहीं, इसलिए आज मैं यही कह सकता हूं कि 5 साल की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने शानदार काम किया है, विकास किया है, सुशासन दिया है, सुरक्षा दिया है, कानून व्यवस्था को बनाकर के रखने का काम किया है, सभी वर्गों के हितों के लिए बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास। हमारे लिए जिस प्रकार से गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, बिना भेदभाव के। वहीं बस्ती जिले में 6वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। महादेवा सुरक्षित सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविश सोनकर, हरैया से सपा प्रत्याशी त्रियंबंग नाथ पाठक और सदर से सपा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव, रुधौली से सपा से राजेंद्र प्रसाद चौधरी, बीजेपी से संगीता जायसवाल, कांग्रेस से ब्रिजेश आर्य ने महादेवा से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, अपने अपने क्षेत्रों के विकास की बात कही। वहीं सदर सीट से नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव ने कहा है कि हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी सरकार आई तो सालों से बंद वाल्टरगंज चीनी मिल को शुरू करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही जितने भी अभी तक मिल कर्मचारियों और किसानों का बकाया है उनका भुगतान किया जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि हमारी सरकार जनता के लिए अनेक योजनाएं दे रही है और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है, उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और बस्ती की 5 सीटों पर जीत हासिल कर फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। वहीं हरैया से सपा प्रत्याशी त्रियंबक पाठक ने कहा है कि आज हमारे क्षेत्र में विकास अधूरा है, सड़कें जर्जर हैं, इस पर सबसे पहले सपा काम करेगी। सबसे पहले हमारा और सबसे बड़ा मुद्दा है वाल्टरगंज चीनी मिल बंद है, उस चीनी मिल को चालू कराना है। जैसे ही सरकार बनेगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पैर पकड़ करके उस चीनी मिल को चालू कराएंगे, जिससे गन्ना किसानों को लाभ हो और उस चीनी मिल के जो कर्मचारी हैं उनका जो वेतन बकाया है वेतन उनका उन लोगों को दिलाएंगे और बकाया गन्ना भुगतान जो है उसको कराएंगे, बाकी पूरे क्षेत्र का विकास कराएंगे। विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है
चाहे विधानसभा की मानिए चाहे पूरे प्रदेश की मानिए, हमारा किसान रात को रात पूरा टार्च लेकर के लाठी डंडा लेकर के अपने खेत की रखवाली कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। 5 किलो राशन अगर दे रहे हैं, 150 रुपये का थैला है, 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, लोगों का 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा जितना जिसकी है सारी फसलें साथ हो जा रही हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो बस्ती ज़िले में छठे चरण के लिए नामांकन जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। महादेवा सुरक्षित सीट से बीजेपी प्रत्याशी रवि सोनकर रहैया से सपा के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। वहीं बीजेपी से संगीता जायसवाल, कांग्रेस से ब्रजेश आर्य ने महादेवा से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा ठोका है, अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात कही है। वहीं सदर सीट से नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी महेंद्रनाथ यादव ने कहा कि हमने जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, हमारी सरकार आई तो सालों से बंद वाल्टरगंज चीनी मिल को शुरू करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही जितने भी अभी तक के मिल कर्मचारियों और किसानों का भुगतान नहीं हुआ है वो हम कराएंगे। तो वहीं बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए लगातार योजनाएं लेकर आ रही हैं, उसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और बस्ती की 5 सीटों पर जीत हासिल भी करेंगे और फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हरैया से सपा प्रत्याशी त्रियंबक पाठक ने कहा है कि आज हमारे क्षेत्र में विकास अधूरा है, सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं, विकास दिखाई नहीं देता है, लेकिन सपा की सरकार आई तो सबसे पहले विकास पर हम काम करेंगे। मेरठ दक्षिण विधानसभा से सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी और उनके समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र पर वोटिंग प्रतिशत पूछने के दौरान उन पर हमला किया गया। सपा नेता विपिन मनोठिया ने हमले का आरोप लगाया है। वहीं विपिन मनोठिया और प्रत्याशी आदिल चौधरी के साथ मारपीट को लेकर उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। हमें पता चला कि जी वहाँ बूथ पर भाजपा के लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। विपिन मनोठिया जी ने बताया हम अंदर गए विद्या मंदिर में और ये बाहर रुके। हम जब बाहर से आए इन पे हमला कर दिया उन्होंने और हम निकल के आगे जैसे चल रहे थे इनको इन्होंने घेर लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बुखला रही है, क्योंकि सभी समाज ने गठबंधन को वोट दिया, सब जगह हम सब जगह से जीत रहे हैं वो बुखला रहे हैं। तो इसकी शिकायत अपने प्रशासन वगैरह को दी है? हमारा अध्यक्ष जी बैठे मशवरा कर रहे हैं हम क्या करना चाहिए, मशवरा करके जो भी होगा। अच्छा, घटना का कारण क्या रहा? भाजपा की बौखलाहट, क्योंकि यहाँ मेरठ से सुपड़ा साफ हो रहा है, हम 6 सीट क्लियर जीत रहे हैं और 7वीं सीट में हमारी फाइट है। देखिए ये घटना लगभग 5:30 बजे की है। दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी आदित्य चौधरी जी, हम लोग उनके साथ गए थे, तब की हम लोग बूथ तक नहीं गए थे। भाई एक प्रत्याशी का कर्तव्य है कि वो जितने बूथ एजेंट हैं उनसे पूछ सकता है कि आज वोट परसेंटेज कितना हुआ, केवल इतना पूछने गए थे और तमाम सीसीटीवी फुटेज वहाँ मौजूद थे। ठीक है, जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं जय श्री राम के नारे, मैंने आपसे अभी भी कहा था तो राम में हम भी आस्था रखते हैं और बाबा साहब हमारा रास्ता है। हम लोग बाहर निकले, आदित्य भाई को धक्का मुक्की करी, प्रत्याशी हैं इनके साथ भी काफ़ी बदतमीजी करी। जैसे इनको भेजा तो तुरंत 100-200 लोग एकदम मेरे को मारने पीटने लगे और काफ़ी सर में मेरे चोट भी है, काफ़ी चोट है, गुम चोट मेरे काफ़ी। उसके बाद मैं अपने जान बचा के वहाँ से निकला अपना कैसे भी करके अपना, और 2-3 लोग थे जिनको मैं जानता हूँ। एक लड़का है आपका ईशु बड़ाना और शंभू पहलवान है और ललित मोरेल है और अन्य व्यक्ति जिनको मैं जानता हूँ। जौनपुर में 7 मार्च को होने वाली वोटिंग के लिए 10 फरवरी से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन के पहले ही दिन एक ऐसी प्रत्याशी पर्चा खरीदने पहुंची जिसे देखकर सब दंग हो गए। 2.5 फीट की महिला जब नामांकन स्थल पर पहुंची तो लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। वहीं अनीता ने बताया कि वो बदलापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके लिए आज वो पर्चा खरीदने आई है। अनीता ने बताया कि उनका कद भले ही छोटा है पर दिमाग और हौसला बहुत बड़ा है। अनीता ने बताया कि जनता अगर उन्हें मौका देती है तो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। फिलहाल अनीता ने पर्चा खरीद कर मैदान में ताल ठोक दी है। आज ओथा पर्चा लेने के लिए आई हूँ विधानसभा का, बदलापुर से, बारह से। अनीता जी इससे पहले भी एक बार आप चुनाव लड़ी थी? हाँ, तो उसमें लिस्ट में से कोई नाम कटवा दिया। अच्छा,
हाँ, पुराने में था, नए में नहीं था। इस बार बदलापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं। अच्छा, हाइट छोटी है, चुनौती कितनी बड़ी है विधानसभा? तो चुनौती तो बड़ा है, तुम्हारा दिमाग नहीं छोटा है, हाइट छोटा है ना, दिमाग नहीं छोटा है। हाँ, और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। विधानसभाओं में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस, सपा, बीजेपी, बसपा को मिलाकर कुल 24 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके समर्थन में जहां पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह पहुंचे, तो वहीं पडरौना विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जहीरुद्दीन बैलगाड़ी पर सवार होकर पर्चा दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने एजेंडे में विकास, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को अपना मुख्य मुद्दा बताया। जौनपुर के शाहगंज से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद परवेज आलम भुट्टो ने बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोल दिया। साथ ही बीजेपी और सपा को एक सिक्के के दो पहलू बताया है। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि सपा बीजेपी की बी टीम है। उनका कहना था कि शाहगंज में विकास उनका बड़ा मुद्दा है। सपा विधायक शैलेंद्र यादव ललई पर निशाना साधते हुए कहा कि चार बार से विधायक और पूर्व मंत्री रहने के बाद भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा पाए हैं। जो विकास बड़ा मुद्दा है, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आम आदमी की समस्या, आम नागरिक की समस्या, नगर पालिका शाहगंज से लेकर के सूरापुर तक हर गांव में आप चले जाइए। मैं तो रोज़ जाता हूं, आप लोग भी जाते होंगे, आपका रोज़ जाने का है। कहीं पर विकास नाम की वो चार बार से विधायक मंत्री रहे, ये सरकार 5 साल थी, एक भी विकास, आप रोडवेज की हाल देख लीजिए, आप महिला अस्पताल की हाल देख लीजिए, आप बालिका इंटर कॉलेज है सागर में उसकी दर्जन हालत देख लीजिए, उसकी व्यवस्था देख लीजिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाजनक चीज़ और रोडवेज जैसी चीज़ें जहाँ पर एक शौचालय नहीं है, केंद्र सरकार की योजना, सरकार की योजना, हम कहते हैं सरकार नहीं है बहाना नहीं चलेगा। कन्नौज में न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलाए जाने के बाद जिला अस्पताल में सफाई अभियान चलाया गया। पालिका कर्मियों ने जिला अस्पताल की सफाई की। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने खबर पर संज्ञान लेते हुए सफाई अभियान चलवाया है। बता दें कि जिला अस्पताल में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिसको न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की टीम ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इस खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला अस्पताल में सफाई अभियान चलाया गया और पूरे अस्पताल को साफ कराया गया है। स्वयं किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अपील जारी की है। मोर्चा के नेताओं ने साफ कहा है कि बीजेपी ने किसानों का शोषण किया, इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को सबक जरूर मिलना चाहिए। केंद्र प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार झूठ बोल रही है और किसानों को बहकाने की कोशिश कर रही है। सरकार जिस भाषा को समझती है, हम उसी भाषा में सरकार को जवाब देंगे। मुरादाबाद के काठ मार्ग के एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश में एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। हालत ये है कि पूर्वांचल से 1000 रुपये और बिहार से 800 रुपये क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बिजली के नाम पर किसानों को बहका रही है। पिछले घोषणा पत्र में सस्ती बिजली देने का वादा किया था और कई गुना दाम वसूले और बिजली के घंटे भी कम कर दिए गए हैं। तो मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अपील जारी की है। मोर्चा के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने किसानों का शोषण किया है, इसलिए चुनाव में बीजेपी को सबक जरूर मिलेगा।
केंद्र प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार झूठ बोल रही है और किसानों को बहकाने की भी कोशिश कर रही है। सरकार जिस भाषा को समझती है हम उसी भाषा में सरकार को जवाब देंगे। मुरादाबाद के कांठ मार के एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सिर्फ किसान मोर्चा के संयोजक राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रदेश में MSP पर खरीद नहीं हो रही है। हालात ऐसे हैं कि पूर्वांचल से 1000 रुपये और बिहार से 800 रुपये क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी सरकार बिजली के नाम पर किसानों को बहका रही है। पिछले घोषणा पत्र में सस्ती बिजली देने का वादा किया गया था और कई गुना दाम वसूले और बिजली के घंटे भी कम कर दिए गए थे, तो ऐसे में हम सरकार पर विश्वास नहीं जता सकते हैं। तो मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राकेश टिकैत ये कहते हुए नजर आए कि सरकार लगातार किसानों को बहका रही है, लेकिन इस बार हम बहकावे में नहीं आने वाले। वहीं बरेली में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। तालाब किनारे भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। शहर कोतवाली के सबसे व्यस्त इलाके बिहारीपुर में भ्रूण मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश तेज कर दी है। आसपास के लोगों ने जो भ्रूण को देखा तो दंग रह गए। आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के मुताबिक जिस समय शहर में बारिश हो रही थी उसी समय उसे फेंका गया होगा, जिसकी वजह से किसी की नज़र फेंकने वाले पर नहीं पड़ी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।